हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आज आपका RSCIT का पेपर हुआ है, जो कि बेहद ही सिंपल पेपर आया है। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने जो भी आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, यहाँ तक कि जो असेसमेंट मैंने अपलोड कर रखे थे, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस वहीं से आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। बेहद सिंपल पेपर आपका RSCIT का, जो कि 3 अक्टूबर 2021 को हुआ है, बेहद सिंपल पेपर आपका आ जाया था। तो चलिए अब हम मिला के देखते हैं कि क्या हमारे आंसर की हो सकती है, कि हमारे कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। तो जैसा कि ये जो हमारा पेपर है ये सेट ए का है, आप लोग क्वेश्चंस मिलाने हैं, ना कि सेट मिलाने की ABCD। आपको अपने करेक्ट आंसर क्वेश्चन देखना और उसका आंसर आपके जो भी पेपर है उसमें मार्क करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो कि यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्स कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग अदर सॉफ्टवेयर, यानी इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा फास्ट कंप्यूटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, सुपर कंप्यूटर हमारा सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज रिफ्रेश्ड सेवरल टाइम्स पर सेकेंड्स, इनमें से कौन सी मेमोरी प्रति सेकेंड कई बार रिफ्रेश होती है, तो हम जानते हैं हमारी यहाँ पे कौन सी मेमोरी है, डायनामिक रैम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों के करेक्ट गए होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि पेपर काफी सिंपल आया था, जो भी इंपॉर्टेंट्स बताए गए थे उनमें से ही पेपर आपका बना है, जो बेहद ही ज्यादा सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज ऑफ वॉलेटाइल नेचर, इनमें से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है, यानी चेंज होती है, वो कौन सी है हमारी, ए रैम। देखिए हम अगर पढ़ के भी नहीं गए होंगे, पढ़ के तो गए होंगे, खैर अगर थोड़ा सा आइडिया भी लगाया होगा तो देखिए बाकी सब में रोम है और इसमें ही क्या है हमारा रैम, तो आइडिया से भी हमारा करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, नहीं पूछा गया है पूछा नहीं गया है, तो ऑप्शन देखते हैं हम। देखिए VLC मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर, फोटोशॉप, ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं, जबकि विंडोज XP हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, ए डैश इज द नेम्ड लोकेशन ऑन द डिस्क वेयर फाइल्स आर स्टोर्ड, एक उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को स्टोर किया जाता है, तो हम फाइल्स कहां स्टोर करते हैं, फोल्डर में, तो ऑप्शन ए हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर से आप क्या समझते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ANB है या नन ऑफ द अबव, तो वेब ब्राउजर हमारा क्या है, एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सर्च इंजन, इनमें से सर्च इंजन का एग्जाम्पल है, तो हम जानते हैं पेटीएम हमारा सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है, फ्लिपकार्ट हमारा शॉपिंग के लिए आता है, पेटीएम भी हमारा पेमेंट एंड शॉपिंग के लिए ही आता है, जबकि गूगल हमारा क्या है, सर्च करने के लिए, यानी कुछ भी आप टर्म्स अपने सर्च करना चाहते हैं ब्राउजर पे तो हम गूगल का यूज करते हैं, तो गूगल हमारा क्या है, सर्च इंजन है। नेक्स्ट, विच वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ OTP, OTP की फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड, बेहद सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बताए थे उनमें से ही पूछे गए, मेरी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं, तो क्वेश्चंस बेसिकली वहीं से ऐसे पुट करे गए हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, OTP की फुल फॉर्म हमने यहाँ पे कवर कर ली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल वॉलेट, इनमें से मोबाइल वॉलेट का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, हम जानते हैं SBI बड़ी मोबाइल वॉलेट का एग्जाम्पल है, भीम है, पेटीएम है, बट क्रेडिट कार्ड हमारा इसका एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट, इनमें से ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है, ट्विटर है, फेसबुक है, फ्लिपकार्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हम जानते हैं फ्लिपकार्ट हमारा ई कॉमर्स का एक एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है, B2B नहीं है, B2C, C2C, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, तो ऑप्शन बी आपका क्वेश्चन नंबर 12 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BPL इन द एक्सटेंट ऑफ EPDS सिस्टम, EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और असेसमेंट में से ही लिया गया, बिलो पॉवर्टी
लाइन यानी बिलो पॉवर्टी लाइन हमारा इसका आंसर हो जाएगा बीपीएल का, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिजिट्स आर इंक्लूडेड इन आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 12। भामाशाह कार्ड इज अ मेजर इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट, भामाशाह कार्ड किस राज्य की प्रमुख पहल है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, हाउ सिटीजन्स कैन पे यूनिवर्सिटी फी थ्रू ऑनलाइन मोड, एक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है, ई मित्र के थ्रू, SSO ID के थ्रू, यूनिवर्सिटी पोर्टल के थ्रू, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो एक नागरिक ऑल ऑफ द अबव, एक नॉर्मल सिटीजन ऑल ऑफ द ऑप्शन से क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्लियर नहीं है, बट मुझे पता है निम्न में से कौन से अथॉरिटी से आधार कार्ड जारी किए जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी हैज इशूड आधार कार्ड, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, UIDAI, है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पासपोर्ट एप्लीकेशन व्हाट इज मीन्ड बाय PSK, PSK की फुल फॉर्म पूछी गई है जो कि बेहद सिंपल थी और मैंने इंपॉर्टेंट भी आपको बताई थी, तो PSK की फुल फॉर्म हो जाएगी पासपोर्ट सेवा केंद्र, ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल इज नॉट OS, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, एंड्रॉयड है, iOS है, विंडोज है, बट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे इसका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीन लॉक इज अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड डिवाइस, देखिए इस क्वेश्चन के लिए तो किसी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी कि पढ़ा जाए, है ना, सभी आजकल स्मार्ट हैं, सभी के पास मोबाइल्स हैं और उन्हें पता है कि फोन में कौन कौन से लॉक लगाए जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपका पैटर्न भी होता है, पिन भी होता है, पासवर्ड भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विद द हेल्प ऑफ विच की ऑफ द फॉलोइंग यू कैन डिलीट द लेटर्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कर्सर, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के राइट साइड के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको कितनी एग्जाम्पल में बताया, मेरे इंपॉर्टेंट में भी बताया होगा मैंने आपको, जब मैंने क्लास ली थी वर्ड की तब भी बताया था कि अगर आपका कर्सर कहीं रखा गया है तो अगर आप लेफ्ट साइड का डिलीट करना चाहते हैं तो आप कौन सी की का यूज़ करते हैं, आपके बैक स्पेस का, बट अगर आप कर्सर के राइट साइड का डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिलीट ऑप्शन का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। By using which of the following you can change the mode of the document from portrait to landscape, इनमें से क्या इस्तेमाल कर document के mode को आप portrait से landscape में change कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका option page setup dialog box, इससे आप क्या कर सकते हैं, change कर सकते हैं mode को। Next question, what would you use to copy formatting from one location of a worksheet and apply formatting to another लोकेशन, यानी वर्कशीट में किसी भी एक स्थान की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो मैंने बताया काफ़ी सिंपल में आपको कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर हम इसीलिए यूज़ करते हैं एक प्लेस की फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे प्लेस पर अप्लाई करवाने के लिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेट पेंटर बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। नेक्स्ट, The paste special command provides you copy and paste facility. Paste special command आपको copy और paste की सुविधा देता है, तो question number 24 का आपका जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C, by values as a result of one formula instead of an actual formula. तो ये आपका option number C correct हो जाएगा। Next, which of the following you can use to make a formula? आप इनमें से किसका सूत्र फॉर्मूला बनाने के लिए इनमें से किसका यूज़ कर सकते हैं, तो आप सेल वैल्यूज़ का भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ सेल रेफरेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड इन अ पावर पॉइंट शो, ठीक है, पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, JPG, GIF, WAV, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन दी स्लाइड्स चेंज इन द स्लाइड शो फॉर द डिस्प्ले एंड अप्लाइड इफेक्ट इज कॉल्ड, एक स्लाइड शो में स्लाइड्स चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है आपका, स्लाइड ट्रांजिशन, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू यूज टू गेट अ सिमिलर डिस्प्ले ऑफ ऑल दी स्लाइड्स प्रेजेंट इन दी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में उपलब्ध सभी स्लाइड्स का एक जैसा डिस्प्ले चाहने के लिए आप निम्न में से किसका यूज करते हैं? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर थ्रेट। इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? आपको पहचानना था यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, डिनायल ऑफ सर्विसेज है, ई कॉमर्स हमारा इसमें नहीं आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ दी फॉलोइंग फीचर्स इज यूज टू रीस्टोर योर कंप्यूटर्स स्टेट इंक्लूडिंग सिस्टम फाइल्स इंस्टॉल एप्लीकेशन विंडोज रजिस्ट्री एंड सिस्टम सेटिंग टू रिवर्ट टू प्रीवियस टाइम। आपकी प्रीवियस टाइम में जो भी आपकी सेटिंग्स थी उन्हें वापस रीस्टोर करने के लिए हम कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सिस्टम रीस्टोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द बीसीसी ऑप्शन इन ईमेल। बीसीसी ऑप्शन ईमेल में क्या है हमारा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। ये भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 एकदम करेक्ट होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाउ मैनी पिंस आर फाउंड इन अ वीजीए केबल। वीजीए केबल में कितने पिंस होते हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 15। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स हार्ड कॉपी फ्रॉम कंप्यूटर। कंप्यूटर में से हार्ड कॉपी कौन प्रोवाइड करवाता है? मैं ईमेल नहीं करवाता, फैक्स नहीं करवाता, सॉफ्टवेयर नहीं कराता, प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी प्रोवाइड कराता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आर, नेटवर्क से कौन कौन से टाइप्स है? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन डी आपका क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज दी फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। देखिए, अभी तक किसी जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस एंड जो इंपॉर्टेंट्स आपके आरएससीआईटी बेस्ड हो गया या ओ लेवल से रिलेटेड बेस्ड आपके टॉपिक्स हो गए उन्हें मेरी वीडियोज में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपके 35 में से 35 क्वेश्चंस करेक्ट गए होंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस करेक्ट गए हैं उनका आप अगर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने मेरी आंसर के साथ अपने क्वेश्चंस मैच करें और आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट करें आपके एग्जाम में। तो आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो आज की वीडियो में तो इतने ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।